आज गुरु पूर्णिमा है। आज का दिन गुरु को याद करने का है। हिंदू रीति रिवाजों में भी गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जाहिर है इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा है। गुरु की आराधना तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश के चाचा, मुलायम के भाई और कैबिनेट मंत्री शिवलाल यादव ने सरकारी पैसों का बेजा इस्तेमाल करके अपने गुरु का सम्मान किया। कैसे किया ये आप भी देखिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर से बरसने वाला फूल आचार्य नरेंद्र गिरी पर गिर रहा है। आचार्य नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, बड़े धर्मगुरु हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकारी हेलीकॉप्टर से इन पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? इसके जवाब दो हैं। पहला तो गुरु पूर्णिमा की वजह से इन्हें ये सम्मान मिल रहा है। दूसरा जवाब यह है कि ये उत्तर प्रदेश के मंत्री शिवपाल सिंह यादव के गुरु हैं, लिहाजा सरकारी हेलीकॉप्टर से अपने गुरु पर फूल बरसाने में शिवपाल जरा भी नहीं चूके। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी संतों का, जितने भी हैं यहाँ पर, सभी का सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और हमारा तो यही है कि हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे। शिवपाल मंत्री हैं तो मानते हैं कि अपने गुरु की ऐसी सरकारी आराधना का उन्हें हक है। चलिए अब शिरडी के साई मंदिर चलते हैं, वहां भी शिष्य अपने तरीके से गुरु भक्ति दिखा रहे हैं। जिंदगी भर मजलूमों के हक के लिए लड़ने वाले, सादगी से जीने वाले शिरडी के साई अब सोने चांदी से लकदक कर रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा में उसमें और बढ़ोतरी हो गई। साई के गुमनाम भक्त समाधि मंदिर परिसर में बने चारों मंदिरों के कलश पर सोने की परत चढ़वा दी। यह साल का सबसे बड़ा चढ़ावा माना जा रहा है। तो गुरु भक्ति की ये दो तस्वीरें हैं। जिसके पास सरकार है वो सरकारी गुरु भक्ति कर रहा है, जिसके पास सोना है वो सोने की गुरु भक्ति में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। इंडिया 9 बजे में इतना ही।